और बहुत ही अच्छा पवित्र दिन जुम्मे के दिन हम सब लोग मिल रहे हैं, तो सभी को जुम्मे की मुबारक। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे आदरणीय स्वामी सर, और जिन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से मेरा काम आसान कर दिया, और ऐसे आदरणीय हिमांशु राय जी जिन्होंने वर्तमान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वो महत्वपूर्ण 10 बिंदु जो खास तौर पर कस्तूरी रंगन जी और उनकी जो 9 लोगों की कमेटी थी, उस कमेटी में से माइनॉरिटी एजुकेशन के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंगित करते, उनको हमारे सामने रखा है। एक ही बहुत ही शोधपरक व्याख्यान उन्होंने किया। हमारे कुतुबुद्दीन जी इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले हमारे मित्र, और सभी यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, बहुत अच्छा प्रयास सभी आयोजकों का है। और मैं मानता हूँ कि जामिया में मेरा दूसरी बार ये आने का मुझे अवसर मिला है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के सभी लोगों का जिन्होंने मुझे दूसरी बार बुलाया। मुझे तो लगता था कि पहली बार के मेरे वक्तव्य के बाद शायद मुझे दोबारा जामिया में नहीं आने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर से बुलाया, इसका मतलब मैं उस दिन कुछ ठीक बोल कर गया हूँ या उस दिन बहुत कमियाँ रह गई होंगी। तो फिर से जो किसी छात्र को जब वो पेपर पास नहीं करता है, एग्जाम पास नहीं करता है, तो सेकंड चांस मिलता है पास होने के लिए। तो स्वामी सर ने शायद मुझे सेकंड चांस दिया कि बेटा एक बार और आ जाओ, फिर देख लो, ट्राई करके शायद पास हो जाओ। अब मैं थोड़ा सा आप सब लोगों से गुस्ताखी चाहूँगा कि जब चर्चा करने बैठे तो हम थोड़ा ओपन होकर के चर्चा करेंगे, और कुछ ऐसे बातें भी अब जामिया के डिस्कोर्स से और देश के डिस्कोर्स में आनी चाहिए। और मैं शायद शुरू करना चाहता हूं, जो हिमांशु जी ने केवल एकेडमिक भाषा में बात की है, उसको मैं थोड़ा सामाजिक भाषा में वो बात करना चाहता हूं। हम सबको ये जितने सारे पहलू है, जिसमें हमारे सर ने स्वागत भाषण के समय कहा कि हमारा जो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज का जो आर्थिक योगदान है वो केवल 1.22 है, शायद यही आपने आंकड़ा बोला है, और उसकी जनसंख्या, और आपने अपेक्षा की है कि वो लगभग 14% होना चाहिए। तो एक इतने बड़े तबके को छोड़कर हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते, ये पहला पॉइंट मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण आपने स्वागत के समय कहा है। उस समय मैं सोच रहा था कि आप हमारा स्वागत कर रहे हैं कि हमें डरा रहे हैं, क्योंकि जिस देश की सरकार और उसके मुखिया इतने बड़े दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने का स्वप्न ले रहे हो, और वहाँ इतना बड़ा एक बहुत बड़ा समाज का तबका जो आज भी वास्तव में शिक्षा और बाकी बातों से वंचित हो, तो हम शायद समग्रता में देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। हम सबको मालूम है भारत और भारत की आजादी और उसके बाद की जो सारी हालात है उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हमें इन सब बातों का एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी देखना पड़ेगा। और जो इस देश में कुल मिलाकर मैं मानता हूँ कि 2014 तक एक विशेष प्रकार की पॉलिटिक्स देश के अंदर हुई है, और अब मुझे लगता है कि हमें उस पर ओपन बात करनी पड़ेगी। मैं 2-3 दिन पहले ही एक भाषण भी सुन रहा था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शायद जामिया के इतिहास में पहली बार कोई खातून वाइस चांसलर बनी है, ये भी बदलते हुए भारत का एक बहुत बड़ा, मैं उसके लिए भी आप सबको अभिनंदन करता हूँ कि हमने उसको बनाया भी और आप लोगों ने उनको स्वीकार भी किया है। अब उसके बाकी पहलुओं पर चर्चा कभी हो सकती है। वास्तव में आजादी के बाद देश के बारे में विचार करने की आवश्यकता आज है, और मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मित्र हैं सर्फ, दिख रहे हैं कहीं मुझे अभी दिख रहे हैं, हाँ, उनको शायद मालूम था कि मैं उनका नाम लूंगा इसलिए बाहर चले गए। आज से लगभग 3 साल पहले मुझे सर्फ पहली बार मिले थे, और सर्फ इलाही ने उस दिन ने एक बात कही थी, वो बात मैं आज ही सदन में रख रहा हूं, और शायद वो इस देश की वास्तविकता है, उसको हम सबको अब समझना पड़ेगा। और जो हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश में एक भय का वातावरण निर्माण किया गया, और जो एक संवादहीनता क्रिएट की गई, इसी बात को सर्फ लाई ने मुझे एक प्रश्न के रूप में पूछा था। उन्होंने कहा कि हमें तो बहुत सारी बातें बताई गई आरएसएस के बारे में, भाजपा के बारे में, विद्यार्थी परिषद के बारे में, हिंदुओं के बारे में। हमारा एक 3 दिन का एक्चुअल में ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो आए थे पहली बार, उन्होंने कहा कि 3 दिन में मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हूँ, हिंदू तो छोड़ो, एक बार भी मुसलमान के विरोध की बात तो छोड़ो, इन्होंने हिंदू शब्द भी एक बार प्रयोग नहीं किया। जितनी भी बातें हुई है देश के डेवलपमेंट के बारे में, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, पर्यावरण में हर व्यक्ति का योगदान कैसे हो, इकोनॉमी में हर व्यक्ति का योगदान कैसे हो, हेल्थ पूरे देश की कैसे अच्छी हो, यही बातें हो रही। तो एक प्रश्न जो पूछा था सर पिलाई ने, आज मैं आपके सामने रखता हूँ, और मैं ताकीद करूंगा जब वो सामने होंगे कि मैं कोई झूठ बोलकर नहीं जाना चाहता।
उन्होंने कहा कि हमारे को तो ये सब बातें कही गई, इसलिए हम तो दूर रहे, लेकिन आप लोग हमसे दूर क्यों रहे? ये सारी बातें, इतने समय क्यों लगा हमको बैठकर संवाद करने में? एक बहुत ही जहन में आने वाला बहुत ही मौलिक प्रश्न शायद सर पिलाई ने पूछा होगा, और मुझे लगता है कि केवल सर पिलाई का प्रश्न नहीं है, इस देश के बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होगा। तो मैं यहीं से इस गोष्ठी की अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। इतने वर्षों में वास्तव में मैं बहुत साफ गोई से कह रहा हूँ, मैं हर बात का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। पिछली बार भी मुझे बाद में बताया गया कि मैं एक वाक्य कहकर गया था यहाँ से, उस पर शायद डिबेट हुआ है और कुछ लोगों ने कहा है कि अब ये विद्यार्थी परिषद के लोग या आरएसएस के लोग हमको इस्लाम के बारे में सिखाएंगे, ऐसा भी कहा गया। और मैंने सर मैंने आपका क्वेश्चन कोट किया है पीछे से, आपको मैं बता देता हूँ जो आपने मेरे से पूछा था कि आप इतने दिन क्यों नहीं आए हमारे पास, वही प्रश्न मैंने यहाँ बोला है, नहीं वो अब आ गए इसलिए मैं उनके सामने बोला। वास्तव में मुद्दा ये है कि मैंने उस दिन ये कहा था, सर आज आप चेयर कर रहे हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, उस दिन शायद आप नहीं थे, आप संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, सामी सर तो उस दिन मौजूद थे। मैंने कहा था कि दुनिया में जो आज इस्लाम के सामने बहुत सारे कन्फ्लिक्ट उभरे हैं और एक बहुत बड़ा इमेज को लेकर एक क्राइसिस आ गया है कि आने वाले समय में दुनिया किस ओर जाएगी, और जिस मजहब ने दुनिया को बहुत सारी अच्छी बातें दी उसके सामने भी आज चुनौतियां खड़ी हो गई, और चुनौतियां इस मायने में भी खड़ी हो गई कि इस्लामिक देशों में ही कन्फ्लिक्ट आ गए। तो मैंने उस दिन एक वाक्य कहा था कि अगर ये पूरे इस्लाम को ठीक से कैसे साथ में रह सकते हैं, ये अगर दुनिया को रास्ता कोई दिखाएगा तो भारत का मुसलमान दिखाएगा, और भारत का मुसलमान क्यों दिखाएगा तो उसका मैंने एक लॉजिक दिया था, उसी पर शायद पीछे से डिबेट हुई। और मैंने लॉजिक ये दिया था कि क्योंकि भारत में वर्षों से, हजारों वर्षों से हम लोग एक साथ रह रहे हैं, हमारी बहुत सारी बातें सांझी हैं, और उसी सांझी बातों के साथ ये, चाहे उसको आप गंगा जमुना सभ्यता कहिए या कोई और उसको नाम दीजिए, मतलब कुल मिलाकर हमारे पुरखों की बात करिए, हमारे तीज त्योहार की बात करिए, हमारे दीपावली में अली और ईद में रहीम में राम, और उसको कुछ भी कहीं से भी जोड़ लीजिए आप, हमारा पूरा सामाजिक ताना बाना जो है उसमें जो बाहर का आक्रमण हुआ उससे पहले के अगर इतिहास को हम ईमानदारी से स्वीकार करेंगे तो मुझे लगता है कि एक साथ रह सकते हैं, एक साथ संवाद हो सकता है, सबके पूजा इबादत का सम्मान करते हुए हम एक साथ सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये भारत का इतिहास वर्षों का हिंदू और मुसलमान का रहा है। ये जो अनुभव है साझेदारी का जो अनुभव है, और जो मेरे मित्र ने कहा कि बोल कि लव आजाद है, लेकिन ये लव कभी कभी तब समस्या में आते हैं जब वो लाइक और डिसलाइक के आधार पर बोलते हैं, जब वहां पर अपीसमेंट की बात शुरू होती है किसी भी एंगल से हो, वो चाहे इधर से हो या उधर से। तो मैं बात ये उठाना चाहता हूं कि आजादी के बाद इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो पॉलिटिक्स हुआ है उसको समझना पड़ेगा, और एक प्रकार से बहुत बड़े लेवल पर मुस्लिम तबके को केवल अपीजमेंट के नाम पर एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाते से ट्रीट किया गया। और मैं आज इस जामिया से खुली बहस के लिए आप सबको निवेदन करने आया हूं, सभी मेरे मुस्लिम मित्रों से, हिंदू मित्रों से, कि आप लोगों को अब ये प्रश्न खड़ा करना चाहिए कि अगर आज के एजुकेशन ड्राफ्ट में जितनी बातें हिमांशु राय साहब ने कहा है, ये बातें आज तक इस देश के एजुकेशन में क्यों नहीं आई? वो कौन लोग थे जिन्होंने इन सब बातों से, ठीक है इस देश के एक प्रधानमंत्री ने केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ये सबको खुश करने के लिए बोल दिया कि इस देश के सभी संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, लेकिन आप मुझे बताइए कि प्रोफेसर बनने के लिए जिस क्वालिफिकेशन के लिए हमारे मुस्लिम मित्र को वहां लाइन में आना चाहिए, अगर वहां तक आपने उसको पहुंचने नहीं दिया तो कौन सा संसाधन उसको मिलेगा? तो केवल आप एक अपीसमेंट के नाते से ट्रीटमेंट किया। दुनिया का मनोविज्ञान ये कहता है कि एक 7-8 साल तक किसी भी बच्चे का ब्रेन का लगभग लगभग 60-70% हिस्सा एक मेच्योर होता है। उस समय अगर उसको ये सारी एजुकेशन जिसके आधार पर वो आज के, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात सर ने की, सर ने अभी कहा कि वो केवल मैकेनिक नहीं बनेगा, तो मैकेनिक बनना भी बुरा नहीं है, लेकिन वो देश को संचालन करने वाला आईपीएस बन सकता है, वो आईएएस बन सकता है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक के नाते काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो जो बेसिक उसका माइंडसेट बनना है, उस माइंडसेट के समय उसको वो माहौल मिल रहा है। तो इस देश के अंदर कैसा वातावरण निर्माण किया गया? एक भय का वातावरण निर्माण किया गया, संवादहीनता का वातावरण निर्माण किया गया, यानी कोई एक दूसरे के साथ बैठकर इन सब बातों पर चर्चा कर सकता है ये दूर की कौड़ी लगने लगा।
और 2014 आते आते अगर आज मैं इस देश की राजनीति की बात करता हूं, और विशेष तौर पर क्योंकि आपने प्रधानमंत्री का नाम लेकर इस कार्यक्रम में एक विषय रखा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं हम सबको एक बात पर, और आपके माध्यम से तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, इस देश की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स दुर्भाग्य से देश के पॉलिटिक्स के जो डायनेमिक्स चेंज हो गए वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी रिलीजन, कास्ट, सेकुलरिज्म, सोशल इंजीनियरिंग, इसी के नाम पर कभी उत्तर प्रदेश में समझौता करके कभी कोई 72,000 की योजना लाकर उन्हीं बातों पर अभी भी देश को एड्रेस करना चाहते हैं। 2014 से 19 तक देश की राजनीति के मायने बदल चुके हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक एहसास हुआ कि यस, ये पहली गवर्नमेंट है जिसमें हमारी एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइड किया गया और उसको फुलफिल करने के लिए ईमानदारी से कुछ एफर्ट्स हुए हैं। और ये जो वातावरण मैं देख रहा हूं उसमें आज के समय में हमने 19 के चुनाव को देखा है, जो इन सब बातों से ऊपर उठकर और ऐसी एक डायनेमिक सरकार फिर से देश को चाहिए, वो चाहे इंटरनेशनल लेवल की बात हो या समाज के सारे इश्यूज को एड्रेस करने वाली सरकार हो। तो जब हम देखते कि एक वातावरण बदला, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, बजट कितना बना, पॉलिसीज में कितना प्रावधान हुआ, उसको एग्जीक्यूट कितना किया जाएगा, ये डिबेटेबल इशू है। और देश की शिक्षा हमेशा डिबेटेबल रही, आजादी के बाद पहली कमेटी बनी गजेंद्र गढ़कर कमेटी, राधाकृष्णन कमेटी, 1967 में फिर से कर्पूरी ठाकुर आयोग, उसके बाद 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसमें 2+3 सिस्टम आ गया, 1993 की चौहान कमेटी से लेकर और वाजपेयी जी के समय में प्रोफेसर यशपाल गुप्ता कमेटी, कितने प्रकार की कमेटी बन गई, हर जगह एजुकेशन के ड्राफ्ट को लेकर के चर्चा हुई है। लेकिन वास्तव में जो बदल हुआ है इस समय वो हुआ है देश के अंदर जो वातावरण बना है कि हम एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं, एक साथ सबके इश्यूज को हम साझा कर सकते हैं, ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकते हैं, और केवल हम अब किसी उन्माद के साथ आगे बढ़ने वाला देश नहीं चाहते हैं, तो उन मुद्दों को समाधान के रास्ते पर लाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो सबसे बड़ी पॉजिटिव मैं बात यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आज जो सबसे बड़ी बात है वो है कि देश के अंदर एक वातावरण बना है जिसमें हमने एक कम्युनिकेशन प्रारंभ किया है, और ये केवल नारा नहीं रह गया कि सबका साथ सबका विकास, ये रिफ्लेक्ट होता है। आज अगर इस देश के अंदर मैं अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल बात करता हूं, वैसे मैं पॉलिटिकल बात कभी नहीं करता हूं, आज अगर इस देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है तो वो ये देखकर नहीं मिलता है कि हिंदू है कि मुसलमान है, ये माइनॉरिटी है कि ये अपर कास्ट है, ये बहुसंख्यक है कि अल्पसंख्यक है। आज अगर उज्ज्वला की योजना मिलती है तो वो आंख जिसमें धुआं लगता है तो वो मेरी मुस्लिम माँ मुस्लिम बहन है कि हिंदू माँ बहन है, किसको है, तो वो सबको मिल रहा है। आज अगर शौचालय की सुविधा मिली है, यानी एक बार कष्ट हम सहन करके देखें, हमें अगर अभी किसी को यहाँ बैठे हुए को किसी को अगर कोई भी लघु संख्या द्रक संख्या का प्रेशर आ जाए, मैं कितना भी अच्छा भाषण करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या इस देश ने कभी ये इमेजिन किया कि एक महिला जो दिन भर इस प्रकार के प्रेशर को झेलती है और रात के अंधेरे तक का इंतजार करती है, उसको किसने एड्रेस किया आज तक? अब ये बात केवल सेकुलरिज्म से नहीं हो सकती, ये बात केवल भाषणों से नहीं हो सकती, उसको एक्शन में लाने से होती है। इसलिए 2019 का परिणाम केवल ईवीएम की छेड़खानी से नहीं आया, ये 19 का परिणाम आया है देश के इन सब मुद्दों को जिसने ईमानदारी से एड्रेस किया है, और जिसको मुझे तो लगता है कि ये चुनाव किसी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा ने नहीं लड़ा, ये चुनाव देश के हर उस व्यक्ति ने लड़ा है जिसने आजादी के बाद पहली बार अपनी आशाओं को किसी न किसी रूप में पूरा होते हुए देखा है। जब इस प्रकार का एक वातावरण बनता है तब बात होती है विकास, तब बात होती है किसी भी संप्रदाय किसी भी व्यक्ति के आगे बढ़ने की, तब बात होती है तामिल और तबके को एक साथ आगे लेकर चलने। तो क्योंकि अभी तक तो हम केवल संघर्ष में थे, भय के वातावरण में थे, संवाद था ही नहीं, और कुछ था तो केवल कुछ लोगों की नेतागिरी चलती, हज के नाम पर वातावरण बनता। आज अगर कुछ लोग, एक बार मुझे लगता है कि इस देश के अंदर ये डिबेट हुआ कि हज की सब्सिडी कम कर दी, ये आरएसएस वाले ऐसा ही करेंगे, लेकिन आज हम में से कितने लोग जानते हैं कि 1,50,000 से आज हज का जो कोटा है वो 2 लाख हो गया है, 2 लाख। अपने ही समाज में बहनों के बारे में जो इतने प्रकार के विषय थे उस पर आज एक डिबेट है, हमने उस इतने बड़े आधी से ज्यादा आबादी को 3 तलाक जैसे एक विषय के साथ आज सभ्य समाज के साथ आज के पढ़े लिखे युवाओं के बीच में उस डिबेट को हम केवल लेकर गए नहीं गए, तो उसको एक गंभीरता के साथ एड्रेस किया है, और उसके जितने सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन है उस पर डिबेट है समाज में। अब ये ठीक है, हर जगह की इबादत के लोग जो पूजा पद्धति के लोग हैं, जो उस पंथ और संप्रदाय में रहने वाले लोग हैं वो काम करें, वास्तव में इस देश में पंथ को सेकुलरिज्म में गलत परिभाषित किया गया, यही से प्रॉब्लम हुई, उस पर भी डिबेट करना पड़ेगा इस देश में।
क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष हो सकता है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है। जब धर्म निरपेक्ष होगा तो जो तालीम देने वाली संस्थान है या जो शिक्षा देने वाली संस्थान है, अगर जेएनयू में अगर वो धर्म निरपेक्ष होता है तो वहां अगर देश के टुकड़े टुकड़े की बात होगी वो नहीं चलेगा। किसी हिंदू संत के अगर मंदिर में वो धर्म निरपेक्ष हो जाएगा, वहां जाने वाले उसके अनुयायियों के साथ वो बाबा अगर किस प्रकार की महिला के साथ गड़बड़ करेगा क्योंकि वो अपने धर्म से, आपने कहा है कि वो धर्म निरपेक्ष हो जाए, तो उसका धर्म निरपेक्ष हो गया तो कुछ भी करेगा। तो यही बात अगर किसी मदरसे पे भी लागू होगी तो फिर देश की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपने कहा कि धर्म निरपेक्ष हो जाओ। हम धर्म निरपेक्ष देश नहीं हो सकते क्योंकि हमने धर्म यानी पूजा पद्धति इबादत का विषय नहीं है, वो जीवन में जिन मूल्यों की हम बात करते हैं, हमें पांच समय की नमाज करनी है, कैसे करेंगे कब करेंगे वो आपका विषय है, लेकिन वो मेरे धारा मैंने जीवन में धारण किया, सब लोग तो नहीं करते इस्लाम में भी, लेकिन जिसने किया उसने धारण किया, उसको उसकी स्वतंत्रता है। मैं ये कलेवा बांध कराया हूं मेरी स्वतंत्रता है। तो ये जो स्वतंत्रता है उसको जब हमने संकुचित दायरे में बांधना शुरू किया तो देश के अंदर ये वातावरण बन गया। इसलिए मैं महसूस करता हूं अपने जीवन के 45 वर्ष मैंने इस देश में जिए हैं, मैं अपने जीवन में पूरे देश के हर हिस्से में जाता हूं, मैं पहली बार ये महसूस करता हूं कि आज देश के हर व्यक्ति के मन में है कि अब इस बदले हुए वातावरण में संवाद किया जाए और अब देश के विकास के हर व्यक्ति की चिंता की जाए। ये पहली बार राजनीतिक दृष्टि से सरकार के स्तर पर एक गवर्नेंस के नाते से ये बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं। बजट पहले भी मिलता था, मुझे याद है 2013-14 की अगर मैं बजट की बात करूं तो 3,35,11 करोड़ बजट मिला, लेकिन वो खर्च कितना हुआ? आंकड़े में 3,000 है लेकिन सही में जिस अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए था वहां तक जाता है क्या? आज इस समय 2018-19 की मैं बात करता हूं और 19-20 की मैं बात करता हूं तो 4,700 करोड़ का बजट इस सरकार ने अलॉट किया है और पिछली बैलेंस शीट में 4,700 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और वो अंतिम व्यक्ति के हाथ तक गया है। इसको कहते हैं गवर्नेंस। अगर मैं योजनाओं की बात करता हूं तो आज मैं ऐसे ही थोड़ा एक लिस्ट लेकर आ रहा था कि मैंने कहा मैं चलता हूं तो चलो एक लिस्ट ले जाता हूं। आज मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप की बात आप में से की है, नया सवेरा फ्री कोचिंग पूरे देश में प्रारंभ हुआ है, फेलोशिप की सीट में बढ़ोतरी हुई, नई उड़ान यूपीएससी की कोचिंग, ये हमारे मुस्लिम बंधुओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ने किया है। स्किल डेवलपमेंट में अगर आप टाइटल देखेंगे तो सीखो और कमाओ, उस्ताद स्किल और विकास, क्योंकि देखिए भारत में हर जाति का हर संप्रदाय का एक ट्रेडिशनल नॉलेज है। हम अगर राजस्थान में पंजाब में जाते हैं तो रामगढ़िया हमारे जो सिख कम्युनिटी है उसके पास उस लोहे से कारीगरी करने का बहुत बड़ा हुनर है। ऐसे ही अपने मुस्लिम समाज में आप कारीगरी में जाएंगे तो कितने सारे इतने भारत के विषय है जहां हमारी इतनी कुशलता है कि शायद वो मशीन भी उसके सामने शर्मा जाए कि इतना हमारा हाथ से जो कारीगरी होती है। तो उसको हमने उस्ताद योजना से भारत सरकार ने स्किल और विकास का है, नई मंजिल शिक्षा और स्किल शिक्षा के लिए सहायता की बात की है, स्वरोजगार के लिए लोन की बात की है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की बात की है, हज के लिए सीट जो मैंने पहले भी कहा है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक क्षेत्र में ढांचागत विकास जिसको सर ने बोला है कि एजुकेशन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एजुकेशन जोन के साथ साथ जो बाकी उसके साथ इंडस्ट्री को जोड़ना है, यानी जो हमारा मदरसे में या जो हमारा परंपरागत हम ट्रेड सीखते हैं स्किल है उसको उद्योग के साथ जोड़ना है, केवल तामील नहीं, उस तामील से जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे हाथ में उस कारीगरी को अब इस स्पेशल जो एजुकेशन जोन के साथ उसको उद्योग के साथ जोड़ना, यानी जहां पर आप है वही आपको रोजगार मिलेगा। कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि हम तालीम के लिए तो भेज सकते हैं मदरसे में लेकिन उसको दूर नहीं भेजेंगे, उसको वहीं पर रोजगार मिले और उसके रोजगार को केवल वो सड़क पर खड़े होकर के कुछ भी बेचे ऐसा नहीं है, वो सही में उसको मार्केटिंग करे, लेबलिंग करे। और हम जो जिस बात के आधार पर जो आपने कहा सर ने जो कहा है कि 1.22 ये कब बढ़ेगा, जब इस सारे हुनर को हम चैनलाइज करेंगे और ये इतना बड़ा मानव संसाधन हमारा जो है जो आज अभी भी स्किल्ड नहीं है किसी कारण से, ये जब पूरा स्किल्ड हो जाएगा तो हम दुनिया में जो टारगेट हमने 5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर की जो बात की है वो हम ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ये प्रत्येक व्यक्ति का जो हुनर है इसको हम स्किल्ड करेंगे और केवल स्किल्ड नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर हम उसको रिप्लेस भी करेंगे और पूरी दुनिया में आने वाले समय में हर दृष्टि से भारत का व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत सारी योजना की है। उसके अलावा हमारे पास अभी हमारी धरोहर कार्यक्रम, देखिए क्या होता है कि हम अपने पूर्वजों से या अपनी मिट्टी से अपनी जड़ों से कटते हैं तो हम क्या है कौन है ये हम भूल जाते हैं, तो हमारी ऐसी बहुत सारी धरोहर है, तो इस सरकार ने ऐसे सभी प्रकार के प्रयास किए कि उनको संरक्षित किया जाए।
और जो हमारे इस देश में हजारों वर्षों की हमारी संस्कृति है, उस बात को समझने के लिए इन धरोहरों को संरक्षित करते हुए उनके लिए अभी सरकार ने काम शुरू किया है। मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है और ईवीएस बिल में अल्पसंख्यकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। ईवीएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसको भी इसमें ऐड किया गया है। तो ऐसा अगर मैं देखता हूं तो आज बहुत प्रकार की योजनाएं, केवल एजुकेशन में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उसमें सर ने बहुत सारे मुद्दे बताए हैं, तो मूल बात में जो कहना चाहता हूं, हर दृष्टि से, चाहे वो महिलाओं का विषय है, हमारे स्किल का विषय है, हमारे विश्वविद्यालय में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने की बात हो, हमारे जो आज बीए बीकॉम का कोर्स है, तो नई एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 सिस्टम, यानी आप अगर प्लस टू के बाद आप ग्रेजुएशन में जाना चाहते तो पहले साल आप अपने किसी भी प्रकार के हुनर का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप वहां से वापस आ सकते हैं। दूसरा कोर्स करते आप डिप्लोमा ले सकते हैं। तीसरा कोर्स आप तीसरा साल जाते आप बीए या बीकॉम कर सकते हैं। चौथा साल आप करते तो आप ऑनर्स ले सकते हैं। ऐसे एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म, पहली बार हिंदुस्तान में इतना बड़ा विषय देश के सामने रखा गया है और 30 जुलाई तक मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, 30 जुलाई तक ये पूरा डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में है। 466 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, उसमें हर प्रकार के इशू को एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। एक बहुत ही थ्रू आउट प्रोसेस से पूरा डॉक्यूमेंट्स आया है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हमने अभी आपने जिक्र किया, एक हमने स्टेक होल्डर्स डायलॉग करके कार्यक्रम किया, मदरसे से भी बहुत लोग आए थे, अपने इस्लाम के बहुत सारे धर्मगुरु उसमें आए थे, बाकी समाज के लोग आए थे, सिख से आए थे, चर्च से लोग आए थे, तो सबने आकर कहा कि आज जो जो आवश्यकता है। इसलिए जो बार बार एक बात आ रही कि मदरसे की शिक्षा में आधुनिकता को लेकर आना, अब वो वहां पर लागू होगा कि जिन जो लोग उसमें संचालन करने वाले हैं वो उसमें से कितना एक्सेप्ट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय आने वाले समय में बहस के लिए है। परिवर्तन होगा, परिवर्तन के साथ हमको आज उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर हम सही में समाज की इन सब बातों को बदलना चाहते हैं, हम सही में 14% जो हमारा समाज का बहुत बड़ा भारत का मुख्य हिस्सा है, इसको अगर हम सभी बातों में समाज जीवन के सभी विषयों में मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो सरकार ने वो एक एटमोस्फियर देने का प्रयास किया है सब प्रकार से, हर प्रकार का डायलॉग, हर प्रकार के लेवल पर पॉलिसीज, हर प्रकार के स्टेक होल्डर्स को आगे लेकर आना, प्लेटफॉर्म देना, उनके साथ बातचीत करना, सभी प्रकार के एफर्ट्स आज सरकार के लेवल पर हो रहे हैं और विदाउट एनी अपीजमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। वोट कौन किसको देगा इसको बिना सोचे इस देश के 125 करोड़ लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक, जैसे हम कहते हैं, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्कर टूट गया। भारत का विचार कभी भी ये नहीं रहता है कि आप केवल सिलेक्टेड काम करो, हमारी प्रकृति जैसे देती है, आप जब इबादत करते हैं तो ये कभी नहीं कहते कि मुझे लग जाए और पड़ोसी बीमार हो जाए। ये हमारे पूरी दुनिया की हमारी फिलोसफी है, ये भारत की फिलोसफी है, हर प्रकार के मजहब की फिलोसफी है। इसी प्रकार से वर्तमान सरकार इस फिलोसफी पर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि आज जो ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, केवल शिक्षा में 10 बातें मैनिफेस्टो में लाने से या उसका कोई ड्राफ्ट देने से काम नहीं होगा, उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट वो हो। अब ये हमारे पाले में गेंद है, मैं आज इस गोष्ठी में कहना चाहता हूं कि अगर इसको हमको संकल्प से सिद्धि में बदलना है, अगर इन सब बातों को जो हिमांशु राय सर ने कही है, बाकी लोगों ने जिसमें मेंशन किया है, मैं भी जो बातें कह रहा हूं, ये सारी बातों को अगर हमको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हो, तो अब ये हमारा हाथ, हमारा पाले में गेंद है। हम कितना ईमानदारी से इन इश्यूज को रेज करते हुए कॉमन लोग, जो इससे सीधे सीधे डायरेक्ट जिनको बेनिफिट होने वाला है, जिनके लाइफ को बदलने वाले हम लोग हैं, क्योंकि ये मत मानिए कि आपका जामिया में एडमिशन हो गया, किसी का जेएनयू में एडमिशन हो गया, ये कितने प्रतिशत लोग हैं। मैं एचआरडी से संबंध रखता हूं, बहुत बार जाता हूं, तो जो विश्वविद्यालय में आने वाले हैं ये मात्र 7% लोग हैं, शायद इससे भी कम होगा। यानी अगर पहली कक्षा में, पहली जमात में 100 लोग एडमिशन लेते हैं तो विश्वविद्यालय में आने वाले केवल 7% बचते हैं। बाकी जो बहुत बड़ा तबका है, जो 5th में 8th में 9th 10th में 12th में जो ड्रॉप आउट होता है और जो अपने अलग अलग परिस्थितियों के कारण से वहां से किसी न किसी काम के लिए चला गया, मजबूरियां हो गई, उस तक ये सारी बातें कैसे पहुंचे। तो अगर इस जामिया के हम सब लोग जो यहाँ हैं, सही में इस गोष्ठी को अगर हमको फलीभूत करना है, तो मुझे लगता है कि केवल हमारे चार वक्ताओं से ये गोष्ठी का दिशा नहीं बनेगी। मैं ऐसा कोई मानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ बातें इसलिए कहकर जा रहा हूँ कि हम इन सब मुद्दों को एक बार, जो सर ने भी आह्वान किया कि उस पूरे दस्तावेज को पढ़िए, सरकार की मंसूबों को पढ़िए, उसको इम्प्लीमेंट करने के उनके इरादों को पढ़िए, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनका इंटेंशन को आप देखिए, और फिर बहुत बड़े व्यापक समय पर देखिए। मैं
हम एक काम करते हैं, जिस मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वहाँ जब भी कोई बात हाथ में लेते हैं तो हम उसके तीन प्रकार के स्टेप्स लेते हैं। पहला स्टेप हम ये तय करते हैं कि जो हम मुद्दा लेकर चलते हैं, पहले जो हमारा कैडर है उसको हम उसके बारे में पूरा एक तरह से एजुकेट करते हैं कि मुद्दा क्या है। अब देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, हमने किशनगंज में 2008 में 17 दिसंबर को 40,000 लोगों की रैली, 2008 की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। उस समय वहां का पूरा मुस्लिम समुदाय हमारे साथ खड़ा हुआ था। क्यों खड़ा हुआ था? हमने वहां के मुस्लिम समुदाय से घर घर जाकर डायलॉग किया कि ये रैली हमारी मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ नहीं है, उस बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ है जिसने आपके भी रोजगार के और बाकी सारे धंधों पर हाथ डाला है, और क्योंकि उसके पास एक झोपड़ी रहने के लिए है, ना उसको बच्चों पढ़ाने हैं, ना उसको बिजली का बिल दे रहा है, इसलिए वो सस्ती लेबर पर काम करेगा, वो चाय के बगान पर भी जाएगा, वो रेडी भी लगाएगा, वो सड़क पर भी बैठेगा, वो नाई हजामत भी करेगा, वो सब कुछ सस्ता, और देखते देखते आपका डेमोग्राफिक चेंज होगा और आगे चल करके आने वाले समय में ये संकट आपके लिए भी है। ये जब एजुकेशन हुआ, ये जब डायलॉग हुआ, तो वहां के पूरा मुसलमान समाज हमारे इस पूरे रैली के साथ हुआ। आप देख लीजिए उसके वीडियोस हैं, आप गूगल पर जाकर के सर्च मारिए 17 दिसंबर 2008 चलो चिकन नेक, आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन से लेकर पूरी उस रैली में वहां का पूरा हमारा मुस्लिम समुदाय किशनगंज का इस रैली के साथ था, क्योंकि हमने उसका मकसद क्या है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये सही में इस देश के सब बातों के लिए, सबके लिए सब बातें समान हो जाएं और किसी के लिए भी थ्रेट्स ना हो। ये यहाँ आकर के हमारे स्लीपर सेल बनकर के जिस टेररिज्म के हम लोग लड़ रहे हैं उसके साथ ये लोग समर्थन ना करें, क्योंकि देखिए जो भारत में रहने वाला मुसलमान है उसको मालूम है मेरे संबंध यहाँ रोज आने वाले, लेकिन जो बाहर से आएगा उसका कोई स्टेक होगा। मैं इस विश्वविद्यालय में आया हूँ आज, मैं कुछ भी बोलकर जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दोबारा पता नहीं मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, लेकिन इस विश्वविद्यालय में अगर कोई काम कर रहा है, जो विद्यार्थी है, फैकल्टी है, उसको मालूम है कि आज तो ये बंद कमरे की गोष्ठी है, लेकिन मुझे कल बाहर सड़क पर भी निकलना है। तो जिसका सरोकार है, वो सरोकार जिसका रहता है, वो कभी भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। तो आज इस देश में दुर्भाग्य से, चाहे वो हमारे वामपंथी मित्र हो या बाहर से आए हुए बुद्धिजीवी हो, जिनका इस देश से सरोकार नहीं है, उन्होंने ही ये गैप क्रिएट किए। इसलिए अब ये भी समझना पड़ेगा कि हमको इन सब बातों पर, तो हम सबसे पहले एक लेवल के हमारे कैडर को हर चीज के लिए अवेयर करते हैं। दूसरा हमारा जो अभियान होता है उसमें हम जो स्टेक होल्डर्स है, जिसके साथ वो विषय बनना है, उसको अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। और तीसरा, इन सब के बाद जब एक वातावरण बनता है तो जो सरकार गवर्न करते हैं उन पॉलिसीज में इंटरवीन करते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इसको हम संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जाना चाहते हैं, इस गोष्ठी में जितनी बातें हम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ के आयोजकों ने की है, तो इसका मेरा मकसद ये है कि इसका नवनीत सब तक पहुंचे। तो आज जो हम बातें कर रहे हैं, ये बातें अब जनता में जाए, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, आप लोग जाकर इन बातों पर डिबेट कर सकते हैं, और उसके बाद जब ये सारा एक वातावरण बनेगा, तो जितनी बातें हिमांशु राय सर ने 10 पॉइंट बोले हैं, कुछ बातें मैंने भी बोली है, एजुकेशन में और भी बहुत सारे बातें हैं जो शायद हम 466 पेज के ड्राफ्ट में से आपको सब बातें अभी नहीं पढ़ सकते हैं, हमारी भी एक सीमाएं हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें अगर उन सब बातों को मैं मानता हूं कि अगर वो अक्सर से इंप्लीमेंट हुई, तो आने वाले 5 वर्षों में हम हिंदुस्तान की हर प्रकार की तामिल में एक बहुत बड़ा डायरेस्टिक पैराडाइम शिफ्ट देखेंगे, जिसके आधार पर हर व्यक्ति कहेगा कि यस, अब मेरे पास एक कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी भाषा से, मैं अपने व्यवहार से, मैं अपने समाज को आगे लेकर जा सकता हूँ, मैं एक लीडरशिप कर सकता हूँ। अब मैं आर्थिक विषय हो, सामाजिक मुद्दा हो, देश के सद्भाव का मुद्दा हो, राजनीति का मुद्दा हो, या देश को ग्रेट नेशन बनाने का मुद्दा हो, मैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, इस लेवल का कॉन्फिडेंस उसके एस्पिरेशंस को इस प्रकार की पॉलिसीज में मिलने वाला है। तो जो थर्ड मुद्दा है मेरा, वो मैं आपसे कहकर अपनी बात को पूरा करता हूं कि हम सबको अब इन सब मुद्दों पर व्यापक पैमाने पर अवेयरनेस करते हुए, जो बातें राय साहब ने कही है, एजुकेशन पॉलिसी में आई है, हमारे कुतुबुद्दीन सर ने बोली है, और भी बाद के वक्ता बोलेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, इस देश में अभी तक यही चल रहा था, हर कोई आकर के वादे करके जाता था, मैनिफेस्टो लेकर आता था, हम उस मैनिफेस्टो पर जाते थे, एक वादा होता था, उसके बाद ना सरकार को कुछ होता था, ना जनता को कुछ होता था, फिर से 5 साल के बाद हम चुनाव में जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार एक अकाउंटेबल सरकार इस देश में आई है, जो कहती है वो करने के लिए उसकी योजना है, उसकी नियत और नियति ये बहुत ही स्पष्ट है। बस हम सब लोग जो स्टेक होल्डर्स है वो अपना अपना रोल अगर निभाएंगे और इन सब मुद्दों पर एक डिबेट करते हुए संबंधित लोगों को बार बार दरवाजा खटखटाते रहेंगे कि भैया आपने मैनिफेस्टो में बोला है,
आपके संकल्प पत्र में है, आपने इतने बड़े समुदाय को विश्वास में लिया है। बहुत देर बाद हम सब लोग एक विश्वास के साथ बात करना शुरू हुए, तो अब समय आ गया कि इन सब मुद्दों को मैं देश में जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री योजना के तहत हमारे कश्मीर के बहुत सारे मित्र आज देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, और उसका सफल ये होता है कि आज तक जो अलगाववादी तत्व, ऐसे लीडर्स जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, वो पूरी कश्मीरियत को और वहां की आवाम को जो बहकाने का काम करते थे, कि देश भर में जो कश्मीरी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया, उसका जब अनुभव आया भारत के बारे में, उसका अनुभव आया पूरे समाज के बारे में, उसका अनुभव आया देश के बारे में, तो उसको लगा कि आज तक हमें तो कश्मीर में बैठकर और ही कुछ बताया जा रहा था, ये तो बाकी सब एकदम बदला हुआ है। तो उनके जो दरवाजे वो खुले हैं, तो जैसे ये हमारा कमरा अभी एक एसी के नाम पर हमने इसको बंद किया हुआ है, जैसे हम खिड़की खोलेंगे तो बहुत सारी बाहर की अच्छी हवाएं आएंगी। तो अब समय आ गया है कि देश के हर उस व्यक्ति को जो देश के बारे में सोचता है, उसको अपनी खिड़की और दरवाजे खोलने चाहिए, हवा आएगी। आपको लेनी है लीजिए, नहीं लेनी है तो दरवाजा बंद कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार उस खिड़की से हम सब लोगों को बाहर आना पड़ेगा। मैं जिस साइड से बोल रहा हूँ उसको भी बाहर आना पड़ेगा, आप जिस साइड से बैठे उनको भी बाहर आना पड़ेगा। यानी मेरी साइड ये है कि मैं विद्यार्थी हूँ और आप यहाँ शिक्षक है, मैं संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब भारत के लोग हैं, क्योंकि हमारा संविधान ने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो भारत के संविधान को मानता है वो सब बातों से ऊपर उठकर सबसे पहले भारत का है, उसके बाद इबादत, पूजा पद्धति, प्रार्थनाएं, वो सब बातें हैं, उसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अब हमको मतभेद के साथ तो हम रह सकते हैं, लेकिन मन भेद को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज की इस गोष्ठी का, और निश्चित तौर पर मेरी बातचीत से अपने बहुत सारे मित्रों के मन में कई सारे प्रश्न खड़े हुए होंगे। मेरे लब बहुत आज़ाद है और वो बिल्कुल सही बोलते हैं, केवल हरा और दूसरा कलर, भगवा कलर, नीला कलर देखकर नहीं बोलते हैं, इस देश का जो तिरंगा कलर है उसी को देखकर हम बोलते हैं, वही हमारा कमिटमेंट है, वही हमारा जीवन है, जो हमारा है वही हमारा सामने है, कोई हिडन एजेंडा लेकर के हम काम नहीं कर रहे। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये कल्याण की भावना हो, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई, ये सब बराबर मिले, ये एक संकल्प है। और हम तो काम कर रहे हैं कि 2047 में जब हमारे पुरखों का ये भारत आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस समय जब हम सब लोग जैसा पहले हम भारत को सोचते थे, सब प्रकार से एक साथ एक मोहल्ले में एक सांझा चूल्हा होता था, उसी पर हमारी अम्मी भी, उसी पर हमारी मम्मी भी दोनों रोटियां पकाती थी, वैसे भारत में हम जीना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।